हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टुडे टॉक के इस वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने राजस्थान की नदियों के बारे में यानी कि राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में स्टडी की थी। इस वीडियो में मैं आपके लिए राजस्थान की नदियों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो लेकर आया हूँ, जो अब तक के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। पिछले वीडियो में मैंने आपको मैप की सहायता से राजस्थान के अपवाह तंत्र को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है और सभी फैक्ट हमने नदियों के संबंध में कवर किए हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि राजस्थान की नदियाँ जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉन्स्टेबल से लेकर RAS तक के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने उसके अकॉर्डिंग ही आपको उस वीडियो में स्टडी करवाई थी। सभी फैक्ट हमने कवर किए थे। इस वीडियो में हम MCQ टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको फैक्ट्स के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो ज़रूर देख लें। उसके बाद आप ये वीडियो देखें ताकि आप सभी MCQs का आंसर अच्छे से दे पाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, हमने इस चैनल पर राजस्थान वनरक्षक, वनपाल, पटवार, ग्राम सेवक इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी शुरू करवा दी है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आने वाले रीट के एग्ज़ाम में भी राजस्थान का सामान्य ज्ञान ऐड किया जा सकता है, अभी इस पर चर्चा चल रही है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड रीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो आप ये वीडियो उसके साथ में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, MCQ टाइप क्वेश्चन, PDF फाइल और जो भी इंपॉर्टेंट सूचना होगी वो मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितने प्रकार के अपवाह तंत्र है? ऑप्शन है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको अपवाह तंत्रों के बारे में अच्छे से जानकारी दी है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में 3 प्रकार के अपवाह तंत्र है। एक आंतरिक जल प्रवाह अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लूणी नदी किस अपवाह तंत्र के तहत आती है? ऑप्शन है अरब सागरीय अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरब सागरीय अपवाह तंत्र। अगला क्वेश्चन है, लूणी नदी की कुल लंबाई कितनी है? यहाँ पर दोस्तों आपसे लूणी नदी की कुल लंबाई पूछी गई है, तो ऑप्शन है 360 किलोमीटर, 355 किलोमीटर, 331 किलोमीटर या 350 किलोमीटर। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, 350 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, लूणी नदी से बाढ़ आने की सर्वाधिक संभावना किस शहर में रहती है? ऑप्शन है सिवाना, ऑप्शन ब पुष्कर, ऑप्शन से बालोतरा या फिर लूणी। तो सही शहर आपको बताना है। तो दोस्तों, बालोतरा जो शहर है ये सर्वाधिक प्रभावित होता है जब लूणी नदी में बाढ़ आती है या बाढ़ की संभावना होती है। तो अगला क्वेश्चन है, चुलिया जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है चंबल, माही, गग्गर या फिर लूणी नदी। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी पर चुलिया जल प्रपात है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बेसिनों में से कहां पर अधिकतम बीहड़ भूमि है? ऑप्शन है लूणी बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन या फिर चंबल बेसिन। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द, चंबल बेसिन। और जो चंबल बेसिन में बीहड़ है इनको दोस्तों क्या कहा जाता है? इनको डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गग्गर, चंबल, बनास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स,
बनास नदी पर बिसलपुर बांध स्थित है। मैंने आपको बताया था बै से बिसलपुर और बै से बनास। अगला क्वेश्चन है, अनास, एराव, सोम किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है माही, चंबल, बनास या फिर सागी। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माही नदी की ये सभी सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर जिले में बहने वाली नदी का क्या नाम है? ऑप्शन है रूपारेल, सरस्वती, गग्गर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, इनमें से कोई नहीं, कोई भी नदी इनमें से बीकानेर शहर में या बीकानेर जिले में नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है, सीकर जिले में कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन है बनास, रूपारेल, जवाई या फिर कांतली। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, कांतली नदी का जो उद्गम है ये सीकर जिले से होता है। अगला दोस्तों, साबी नदी का उद्गम स्थल किस जिले से होता है? ऑप्शन है जयपुर, अलवर, भरतपुर या डूंगरपुर। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। जयपुर से साबी नदी का उद्गम होता है। उद्गम स्थलों की जानकारी मैंने आपको पीछे के वीडियो में दी है, तो आप पीछे का वीडियो जरूर देखिएगा ध्यान से, और डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पांचना बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो पांचना बांध कौन से जिले में है, जिला आपसे पूछा गया है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, प्रतापगढ़ जिले में पांचना बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में कोई नदी नहीं बहती है? ऑप्शन है जोधपुर, हनुमानगढ़, चूरू या फिर गंगानगर। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, चूरू जिले में कोई नदी नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मृत नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? ऑप्शन है माही, चंबल, बनास या फिर गग्गर। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, गग्गर नदी को राजस्थान में मर्त नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है रूपारेल, चंबल, कोठारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, कोठारी जो नदी है इस पर मेजा बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिसलपुर बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है झुंझुनू, टोंक, भीलवाड़ा या फिर करौली। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, टोंक जिले में बिसलपुर बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? ऐसी कौन सी नदी है राजस्थान में जिसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? ऑप्शन है चंबल, माही, लूणी या फिर बनास नदी। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी का अपवाह तंत्र राजस्थान में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। अगला है, बिसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? ऑप्शन है आयड़, बेड़स, माही या फिर बनास। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, बनास नदी से इसका संबंध है बिसलपुर परियोजना का। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सर्वाधिक जल आपूर्ति कराती है? ऑप्शन है चंबल, माही, बनास या फिर कोठारी। तो राजस्थान की ऐसी नदी बतानी है जो सर्वाधिक जल आपूर्ति करवाती है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी। तो दोस्तों ये था वीडियो, आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।